मोमेस। सो फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आज मैं आ गई हूँ और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले है हमारे न्यू मोमेस के लिए। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स आए हुए थे कि मैडम आप वीक वाइज जो प्रेगनेंसी है उसको डिस्कस करिए, कौन से वीक में बेबी का कौन सा ग्रोथ होता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस अलोंग विद हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ हम नोटिस करते हैं हर एक हफ्ते में, क्या एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता डिफरेंट होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के जो अलग अलग हफ्ते होते हैं, अलग अलग हफ्ते में अलग अलग सिम्टम्स क्या क्या होता है। सो आज से स्टार्ट हो रहा है प्रेगनेंसी वीक से, सो ज़रूर सारे वीक्स को आप फॉलो करिएगा। आई होप दैट आपको जितनी जानकारी चाहिए सारा आप लोगों को मिल जाएगा। सो जैसे ही आपने रिलेशन बनाया ओव्यूलेशन के डे पे, आपके फिलोपियन ट्यूब में जो मैच्योर्ड अंडा पड़ा था वो फर्टिलाइज हो गया आपके पार्टनर के स्पर्म के थ्रू से, एंड उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म होता है और आपके जो यूट्रस के लाइनिंग है उधर आके चिपकता है, जिसको मेडिकल टर्म में हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट पीरियड मिस कर दिया, साथ ही साथ आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड प्रेगनेंसी के किट में आ गया पॉजिटिव लाइन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मॉमीज, यू आर नाउ प्रेगनेंट। प्रेगनेंसी के डेट्स कैसे काउंट करना है, देखिए जब आप ब्लीडिंग के थ्रू से जा रहे हैं, यानी कि जब आप पीरियड में है, सो पीरियड के जो फर्स्ट डे होता है उसको ही हम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आप डॉक्टर को बताएंगे कि आपके LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट क्या था, तो आपको उसी डेट को बताना है जिस डे पे आपका फर्स्ट डे था पीरियड का, और उसके हिसाब से आपकी जो ड्यू डेट है यानी कि डिलीवरी डेट है उसको डिनोट किया जाता है, काउंट किया जाता है। किसी किसी केसेस में बच्चे का ग्रोथ बहुत लेट आता है, लेट कंसेप्शन के साथ साथ लेट इम्प्लांटेशन भी होता है, तब कभी कभी किसी किसी केसेस में USG के थ्रू से डॉक्टर पता करते हैं जो आपके लास्ट LMP था वो सही नहीं है बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से। डरना नहीं, डॉक्टर बेबी के ग्रोथ के हिसाब से एक डेट बता देते हैं और उसी डेट को पकड़ के आपको अपने ड्यू डेट का वेट करना है। अब आते हैं फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता क्या है। देखिए फर्स्ट वीक, जैसे कि मैंने बोल दिया कि फर्स्ट डे ही माना जाता है आपके, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ यानी कि पीरियड में है उसी दिन को मानते हैं हम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट डे पे बेसिकली जो होता है, आप ब्लीड कर रहे होते हैं और उसके बाद 5-6 दिन तक आपके ब्लीडिंग चलता है। जैसे आपकी ब्लीडिंग चल रहा है, आपके यूट्रस क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ आपके अंडरदानी के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर जो एग्स होता है वो रेडी होता है फर्टिलाइज होने के लिए। तो अंडरदानी के अंदर यानी कि ओवरी के अंदर FSH और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो अंडे को मैच्योर करता है। अब जब एक गर्ल बर्थ लेते हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्स लेकर बर्थ लेते हैं। अब हर महीना काफ़ी अंडे मैच्योर्स होते हैं और उसमें से एक ही अंडा ऐसा होता है जो प्रॉपर होता है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और उसी अंडे को हम फर्टिलाइज करते हैं थ्रू रिलेशनशिप्स। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्स के बीच में कुछ फॉलिकल्स ही मैच्योर हो पाते हैं, किसी किसी के 2 या 3 भी मैच्योर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है साथ ही साथ जैसे आप रिलेशन बनाते हैं। इन दैट केस ट्वीन प्रेगनेंसी या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है ये आपके यूट्रस के प्रिपरेशन होता है, आपके अंडेदानी का प्रिपरेशन होता है, आपके जो फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, और आपके बॉडी में काफ़ी सारे जो हार्मोन्स है वो काम करते हैं आपके बॉडी के जो एग्स है उसको फर्टिलाइज करवाने के लिए।
अब हम आते हैं सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। इस टाइम पे क्या होता है, देखिए आपके एग्स तो बन के तैयार हो गया है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, फॉलिकल मैच्योर हो गया है, FSH और LH हार्मोन सारे एग्स को तैयार कर दिया है। अब जिस एग में जान ज़्यादा है, एक्टिव है, वही फर्टिलाइज होगा। अब सेकेंड वीक में आप आ जाते हो ओव्यूलेशन पीरियड में, यानी कि जैसे आपका पीरियड हो गया है 6-7 दिन का, उसके बाद एक हफ्ता और, यानी कि बिल्कुल आपके ओव्यूलेशन डेट के पास 13-12 दिन में आपके ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर आपको PCOD, PCOS जैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेट पीरियड जैसा प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल सेकेंड वीक में आप ओव्यूलेशन के बिल्कुल आगे खड़े होते हो। और उस टाइम पे जैसे आप बेबी प्लान करते हो, रिलेशन बनाते हो, तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी हफ्ते में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे ओवरी को कि आपके एग्स तो मैच्योर हो गया है, FSH और LH हार्मोन इसको मैच्योर कर दिया है, अब इसको रिलीज कर दो और फैलोपियन ट्यूब तक जाने दो। तो ओवरी से अंडा निकाल के फैलोपियन ट्यूब तक आकर उधर वेट करते हैं, और इसी टाइम का आपको पकड़ना है रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी बहुत ही जल्दी आ जाता है। स्पर्म जैसे जैसे एंटर होता है आपके बॉडी के थ्रू से, वजाइना के थ्रू से फर्टिलाइजेशन के प्रोसीड्योर होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मैच होता है। अब इस मैटर में मैं बता दूं कि विमेन के अंदर काफ़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल पार्टनर के अंदर भी होता है, पर विमेन के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो है XX क्रोमोसोम, और मेल पार्टनर के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो है XY क्रोमोसोम। तो हर बार जब हम रिलेशन बनाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, बेबी का बर्थ देने के लिए ट्राई करते हैं, विमेन पार्टनर ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही दे सकते हैं क्योंकि उसके पास दो है, बट जो मेल पार्टनर है वो कभी एक्स देते हैं, कभी वाई देते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम देते हैं तो XY बन के मेल चाइल्ड के बर्थ होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम देता है तो फीमेल चाइल्ड होता है। एक बात याद रखने वाली है, इस टाइम पे जो यूट्रस के लाइनिंग होता है वो 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर तक मोटा हो जाता है। इधर आपके जो इम्प्लांटेशन होता है वो सही से हो, एम्ब्रियो को अच्छे से पकड़ में रख पाए, इसीलिए यूट्रस के लाइनिंग सही से बनना ज़रूरी होता है। वीक यूट्रस लाइनिंग के कारण मिसकैरेजेस होने का चांस हो जाता है, आपके प्रेगनेंसी तो आ जाएगा बट वो ठहर नहीं पाएगा, इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बॉडी के जो यूट्रस का लाइनिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग हो फॉर अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आज का एक डिस्कशन था फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में हमारे बॉडी में क्या क्या चलता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम थर्ड वीक के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।